प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो बढ़ रहे अगली राशि की तरफ जो की है मकर राशि। मकर राशि रिश्तों के मामले में ठीक होती है अर्पिता, लेकिन ज्यादातर जीवन में रिश्ते बड़े गिने चुने इक्के दुक्के होते हैं। हाँ, दोस्त जीवन में इनके एक कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो जीवन भर इनके पीछे खड़ा रहता है, संबंध निभाता है। दोस्ती निभाने वालों में से मकर वाले सबसे पहले नंबर पे आते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कौन सा है मकर वालों का? आपके ननिहाल का रिश्ता, खास तौर से मामा और मौसी का रिश्ता आपके जीवन में सबसे ज्यादा खास होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपने ननिहाल के साथ, अपने मामा मौसी के साथ अगर आप रिश्ते ठीक रखें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता अपने ननिहाल के साथ ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य की स्थिति आपकी हमेशा खराब होगी। मकर वाले ये देख लें कि अगर वो हमेशा बीमार रहते होंगे, पक्की तौर से उनका रिलेशन अपने ननिहाल से बढ़िया नहीं होगा, या ननिहाल के साथ रिलेशन अगर उनका खराब होगा तो उनका स्वास्थ्य भी बराबर की मात्रा में खराब होता चला जाएगा। अगर आपकी राशि मकर है और रिश्तों के मामले में दिक्कत आ रही है तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बड़ा शुभ होगा, बड़ा मंगलकारी होगा। इससे आप रिश्तों को बना भी पाएंगे और बचा भी पाएंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि है कुंभ राशि। रिश्तों को निभाने के मामले में अच्छी राशि है और अमूमन ऐसा देखा गया है कि कुंभ वाले रिश्ता निभाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ लोग इनको समझ नहीं पाते कि इनकी मजबूरियां क्या हैं, इनके जीवन की जिम्मेदारियां क्या हैं, इसलिए बहुत सारे रिश्ते उम्र के साथ साथ इनके टूटते जाते हैं। और अक्सर कुंभ वाले जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आइसोलेट हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, हालांकि दोष इनका उसमें कोई नहीं होता। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपके लिए किसी नजदीकी दोस्त का है, किसी नजदीकी दोस्त से आपको हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा। जीवन में ज्यादा दोस्त मत बनाइए, एक ही बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए जो हर समय आपके साथ मौजूद रहे, हर समय आपके साथ खड़ा रहे। अगर इस संबंध पर ध्यान न दिया जाए तो मानसिक समस्या और तनाव की स्थिति आपके जीवन में बन जाएगी। अगर आपके पास एक भी दोस्त नहीं है अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए, अपने दुख सुख बांटने के लिए, तो आप मुश्किल में आएंगे। इसलिए दोस्त बनाइए और निभाइए। वैसे तो रिश्ते आप खुद से तोड़ते नहीं हैं, लोग खुद ही दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में आपके दिक्कत है तो रिश्तों के लिए गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगली राशि है पंडित जी मीन राशि। मीन राशि वालों के साथ ये है अर्पिता कि कुछ रिश्ते इनके जीवन में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ रिश्ते इनके लिए बड़े खराब होते हैं। हो सकता है कि तीन भाई हों, दो के साथ अच्छा बातचीत हो और एक के साथ संबंध अच्छे ना हो, बड़ा मिला जुला मिक्स टाइप का रिश्ता इनका रहता है। अगर हम मीन वालों की बात करें तो ससुराल के लोगों के साथ का रिश्ता, खास तौर से सास ससुर के साथ का रिश्ता काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसा मैं महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं कि मीन राशि की जो महिलाएं हैं वो सास ससुर के साथ अच्छा रिश्ता रखें, मीन राशि के जो पुरुष हैं वो भी अपने सास ससुर के साथ रिश्ता बेहतर रखने का प्रयास करें तो अच्छा होगा। अगर आप अपने सास ससुर के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते, इस संबंध की अवहेलना करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और आपकी मानसिक स्थिति भी खराब होगी। तो अपने सास ससुर के साथ रिश्ते बेहतर रखिए, मन और सेहत के मामले में आप हमेशा ठीक रहेंगे। मीन वालों के रिश्ते भी बड़े जल्दी जल्दी टूटते हैं। एक समय ऐसा होता है जीवन में जब सबसे घनिष्ठ रिश्ता रहता है और एक समय ऐसा होता है कि वो सबसे घनिष्ठ रिश्ता सबसे ज्यादा दूर हो जाता है। तो अगर आप रिश्तों को बेहतर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते न टूटें, तो भगवान कृष्ण की आप जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।